गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुबीना अख्तर व्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम यहां पे बन रही है हमारी चाय सुबह की। ये करक चाय है। तो बहुत मैंने कोशिश की कि अपने दिन की शुरुआत शहद और नींबू पानी से करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये जो मेरी बुरी आदत है चाय की, ये आदत जा नहीं रही है। हमारी चाय बिल्कुल तैयार हो गई है और अब मैं इसको छान रही हूँ कप में। तो ये चाय एक मेरे लिए है और अम्मी के लिए है और मेरे भाई के लिए है। जब भी सुबह की चाय पिएं, तो अगर आपके घर में बालकनी है या पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पे बैठ के पिएं, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुकून लगेगा। क्योंकि ये जो गार्डन होता है या फिर कुछ प्लांट्स अगर लगे होते हैं तो वहाँ पे बैठकर और आपको एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं अपने जो इंडोर प्लांट को मैंने जो लगाया था, तो उसके जो पत्तियाँ हैं वो कुछ पीली पड़ गई हैं, तो मैं उसे निकाल रही हूँ। मैं अपने प्लांट्स की वीक में एक बार देखभाल करती हूँ। वैसे जो पत्तियाँ हैं, अगर आपके घर में भी इंडोर प्लांट है तो उसकी जो पत्तियाँ हैं जो पीली पड़ गई हैं तो उसे निकाल दीजिए, नहीं तो वो सरकर पूरे पौधों को ख़राब कर सकती है, तो इसका ख्याल रखें। वैसे जो मेरे प्लांट्स हैं तो वो बहुत हद तक हार्डी है, क्योंकि मैं जब लाई थी तो एक पौधे से मैंने बहुत सारे पौधे उगाए और बहुत सारे नीचे से लेकर मेरे ऊपर तक के गमले में ये पौधे हैं, इंडोर प्लांट हैं। तो ये मैंने एक से बहुत सारे पौधे बनाए और ये बहुत दिनों से मेरा चल रहा है। अभी नाश्ता का वक्त हो चुका है, तो अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ये चीनी भरी रोटी, क्योंकि बच्चे सब्जी खाना नहीं चाह रहे हैं, तो चीनी भरी रोटी मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाती थी, तो आज वो मैं खुद भी खाऊंगी और बच्चों को भी खिलाऊंगी। तो इसमें चीनी भरने के बाद इसको बेलकर और इसको जैसे रोटी सेका जाता है वैसे ही सेकना है, और सेकने के बाद इसको जब पलटेंगे रोटी को, तो पलटने के बाद फिर इसमें हल्का सा तेल लगाएंगे। तो तेल या वाइट तेल हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो तेल लगाने के बाद इसको अच्छे से पका लेंगे। देखें, चीनी बिल्कुल बाहर नहीं आ रही है और ये मेल्ट होकर बहुत खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि चीनी मेल्ट होकर एक रस की तरह बन जाता है अंदर। तो बच्चे भी इसको बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो ये नाश्ता तैयार है। मेरे बाल बहुत ही गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको कटवा भी लिया है। देखें, मैं अपने बाल कितने छोटे कर लिए हैं काट कर, ताकि ये गिरना बंद हो जाए। ये इतना बेतहाशा गिर रहा था बाल के, हाथ में जब भी मैं हाथ में ऐसे कर रही थी तो बाल आ जा रहे थे। तो फिर मैंने एक टोनर बनाया, तो उससे मेरे बाल बहुत ही गिरने बंद हुए हैं। तो मैंने वो जो टोनर बनाया है, तो वो मैं जब से लगा रही हूँ तो ये बहुत ही फ़ायदा किया है मुझे। तो वो टोनर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो टोनर कैसे मैं बनाई हूँ। तो ये होममेड टोनर है और मुझे वो बहुत ही फ़ायदा हुआ उससे। आपके भी बाल अगर झड़ रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप उसको टोनर की शक्ल में यूज़ कर सकते हैं या पैक के शक्ल में भी बना सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अपने बालों से इतना ज़्यादा परेशान थी कि मैं अपने बाल को हाफ, मेरे बाल यहाँ तक थे, मैंने हाफ कट करवा दिया कि ये गिरना बंद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं टोनर की तरफ। एक हेयर टोनर बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए ये दो हिबिस्कस के ये फ्लावर हैं, एक प्याज, ये 1 टेबल स्पून, ये चावल, ये 8 से 10 लौंग क्लोव, ये 8-10 करी पत्ते, और ये मेथी फेनुग्रीक। तो इसको मैं पहले प्याज को काट लूँगी, और प्याज काटने के बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं बॉईल करूँगी। एक ग्लास पानी डालकर और उसको मैं बॉईल करूँगी, और बॉईल करने के बाद वो एकदम धीमी आंच पे इसे बॉईल करना है। ये बहुत इफ़ेक्टिव, ना भी बंद होगा और बाल लंबे भी होंगे। प्याज को काट लूँगी मैं, ये मैंने काट दिया।
प्याज को मैं डालूंगी सॉस पैन में, इसमें डालूंगी ये चावल, ये क्लोव इसको डाल दूंगी, करी पत्ते इसको डाल दूंगी, ये फेनुग्रीक सीड इसको डाल दूंगी, और लास्ट में ये दो हिबिस्कस के फ्लावर इसको डाल दूंगी। ये इसमें एक गिलास फिल्टर्ड पानी। अब इसे मैं अच्छी तरह से बॉयल करूंगी। इसको सिम पे रखूंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता ये बॉयल होता रहेगा। कम से कम 10-15 मिनट इसको बॉयल करना है। ये इस तरह से ऐसे ही बॉयल होगा ये धीमी आंच पे। देखें ये बिल्कुल हो गया है। अब इसको मैं छान लूँगी और ठंडा होने दूँगी। ये बिल्कुल ठंडा हो गया। अब इसको मैं ये इसमें इसको छान लूँगी। ये मेरा टोनर तैयार है हेयर के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त टोनर है, तो इसको मैं स्प्रे बॉटल में डाल दूँगी। ये स्प्रे बॉटल में अब इसे सर में लगाने के, सर में इसको स्कल्प में लगाएंगे और स्कल्प में लगाकर 1 घंटे के बाद इसको वॉश कर लेंगे। इसे आप डेली नहाने के पहले लगा सकते हैं। तो आप दें मुझे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।